भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पत्रकारों से कहा, हम बनाएंगे चौथी बार भाजपा सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 15 अक्टूबर को रीवा आने की दी जानकारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरा व्यवस्था प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात झा ने बताया कि अमित शाह आगामी 15 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। वे यहां ग्राम केंद्र, नगर केंद्र और पालक संयोजकों की बैठक में भाग लेंगे। इसी प्रकार शाह सतना में महिला सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रभात झा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा और पार्टी के लक्ष्य को पूर्ण करेगा। उन्होंने कहा कि हम चौथी बार भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं और सबका विकास हो रहा है। इस बीच साथ में आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं पूरे देश प्रदेश में लागू की है, उससे लोगों के आकर्षण में सिर्फ भाजपा ही है। इन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चौथी बार भी भाजपा सरकार बनेगी। इस दौरान प्रभात झा और नंद कुमार चौहान ने भाजपा के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। आइए देखते हैं और क्या कहा प्रभात झा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय प्रवास है और उसी प्रवास के तहत विंध्य की धरती पर 15 अक्टूबर को वे यहाँ पर रीवा में ग्राम केंद्र और नगर केंद्र के पालक संयोजकों की, रीवा और शहडोल संभाग के जिनकी संख्या हजारों में है, उनको वे यहाँ मार्गदर्शन देंगे। अमित शाह जी देश और दुनिया के राजनीति के क्षेत्र के कुशल संगठक है और कुशल रणनीतिकार हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यहाँ पर पालक संयोजकों के सम्मेलन के साथ सतना में महिला सम्मेलन भी होगा और उसकी जिम्मेदारी, पूर्व तैयारियों की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा जी और मुझे पार्टी ने सौंपी है। उसी पूर्व तैयारी की बैठक लेने के लिए हम यहाँ आए थे। 2018 में मध्य प्रदेश की धरती से एक ही आवाज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज। चौथी बार हम सब पूरे कार्यकर्ता की ताकत से, जनता के समर्थन से सरकार बनाएंगे।